दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 67 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप इन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनः वन रोपण करके जो है ये भूमि अपरदन को रोका जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओजोन यानी O3 गैस उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण क्रिया से ओजोन गैस O3 गैस जो है उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी, जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ATP से। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ATP से प्राप्त होती है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधों और जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध, इसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आठवां क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ओजोन यानी O3 गैस जो है उत्पादित करती है। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण से जो है ये अम्ल वर्षा होता है। दसवां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है, मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वन कटाव जो है मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पुनः वन रोपण करके, तो याद रखना है। ग्यारहवां क्वेश्चन दिया गया है, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है, क्या कहलाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर्द्रता जल, क्या कहलाती है, आर्द्रता जल। बारहवां क्वेश्चन दिया गया है, जल क्रांति कहाँ होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में। जल क्रांति कहाँ होती है, चिकनी मिट्टी में। खाद्य कड़ी यानी फूड चैन में शाकाहारी होते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। खाद्य कड़ी में शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केसिका जल है, क्या है, केसिका जल। पंद्रहवां क्वेश्चन दिया गया है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं
क्या कहलाते हैं? पादप जो चट्टानों की सतहों पर उगते हैं उसको क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लिथोफाइटस। लिथोफाइटस नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा शैवाल कहा जाता है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लिंडमान ने दिया था। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत लिंडमान ने दिया था। दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। तो देखिए ये स्रावित होता है सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा। सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा सी हो जाएगा। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट किससे बनता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट जो बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से। यहाँ पर तीनों घटकों से उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण उपर्युक्त तो सभी से बनते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर जो पारितंत्र है वो है महासागर। महासागर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूकिलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है और बाकी ये तीनों बबूल, नीम और पीपल। बबूल, नीम और पीपल ये तीनों पारिस्थितिकी मित्र है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक देशीय प्रवाह दर्शाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया गया है ह्यूमस किसका एक प्रकार है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मृदा में क्षयमान जैव का प्रकार है ह्यूमस। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और तीसरा वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परीक्षण। यह पर उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तालाब में उल्टा है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जल हायसिंथ, जो कि एक पुष्प है। ठीक है, ये सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन दिया गया है अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अफीम जो है ये फूल से प्राप्त की जाती है। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्री पारितंत्र, वन पारितंत्र और सरोवर पारितंत्र। यहाँ पर इन तीनों पारितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो देखिए पेड़ पौधे समाप्त हो जाए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़, ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाएगी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपघटक बैक्टीरिया, यहाँ पर ये वाला जोड़ा सही है। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको बोला जाता है जैवमंडल, क्या कहा जाता है जैवमंडल। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो सबसे अधिक जो जल की मात्रा की आवश्यकता होती है वो गन्ने की होती है, गन्ना, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है, सामूहिक खेती, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पंपास के घास स्थलों में जो है सामूहिक खेती की जाती है। प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती है, प्रकृति में पोषण रीतियाँ कहाँ पाई जाती है, पारितंत्र में पाई जाती है, पारितंत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवों के उन पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता एक घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषावास की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत पर सौर पैनल का संस्थापन। पौधों के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाले स्थितियों का नाम बताइए, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, बाकी अमोनिया सल्फेट, यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट तीनों जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक है। किसे सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी यानी जंतु और पादप क्या कहलाते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जीवोम यानी बायोम कहलाते हैं। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंपोस्टीकरण। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है, जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है, तो देखिए यह है बिनाइट्री कारक, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, पारिस्थितिकी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, आर्थर ट्रांसले ने जो है इकोसिस्टम तंत्र की संकल्पना के जो है परिभाषित किया था। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। आगे बढ़ते हैं, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 78% जो है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नक्शे के अध्ययन को,
करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनः स्थापना है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफॉरेस्टेशन। इसका अर्थ प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनः स्थापना है। लकड़ी खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार यानी कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंग हैंग हैम ने जो है ये भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कचरा भराव क्षेत्र। एक्वेरियम ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है एक्वेरियम के विषय में सही है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, मनुष्य के द्वारा निर्मित ये पारितंत्र एक्वेरियम याद रखना है। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? दूसरा पौष्टिक स्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूहा है। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भूविज्ञान है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो देखिए डायनासोर जो थे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोजोई केरा युग के दौरान। ठीक है, ये फले फूले थे उसी टाइम पे थे। ये पौधों में पाए जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लोवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एंथोसाइनियनिन। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। दी गई श्रृंखला में अलग प्राणी कौन प्राणी का चयन करें? तो देखिए यहां पर तीनों में चारों में कौन एक अलग है? तो यहां पर मछली अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी इन तीनों के पैर होते हैं, कछुआ का पैर होता है, केकड़ा का होता है मतलब टांगे होती है, मेंढक का भी टांग होता है, मछली का टांग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अलग है। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं, गन्ना आलू और केला, ये वनस्पति पद्धति से उपजते हैं, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये आप सभी के लिए है क्वेश्चन, देखिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल गर्म खून का है? गर्म खून का एनिमल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।